मदन फूड्स की जानिब से सारास किचन, मैं हूं आपकी होस्ट सारा खान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो डिश हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है गुलाब जामुन। और ये बहुत ही एक इजी रेसिपी है, ये हम ब्रेड के गुलाब जामुन आपके लिए बनाएंगे। ये घर में जितनी इंग्रेडिएंट्स हैं आपको बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेड के गुलाब जामुन के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी। पानी, शीरे के लिए होगा जरूरत, गुलाब जामुन को तलने के लिए हमें घी या तेल की जरूरत है, दूध, दूध हसबे जरूरत जाएगा, चीनी जो है वो भी आप बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी चीनी की। मैंने लिए हैं ब्रेड के 6 स्लाइसेस, 6 स्लाइसेस के लिए मैंने ली है 2 कप, छोटे 2 कप चीनी ली है और 8 से 10 इलायचियां। जी व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्लाइस को हमने उसके सारे किनारे जो हैं रिमूव कर देने हैं, आप देख रहे हैं किनारे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इन किनारों को भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, इनके क्रम्स बन सकते हैं और स्लाइस किया छोटे छोटे पीस, इसी तरह आप सारी ब्रेड के स्लाइसेस काट लें। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रेड को, हमने तमाम ब्रेड को छोटे छोटे स्लाइसेस में हमने काट लिया है। अब इसमें हम हसबे जरूरत दूध डालेंगे, इसमें आपके हाथ का इस्तेमाल होगा। दूध आपने एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के आपने आटे की तरह ये डो बनानी है। और अगर आपका दूध गलती से ज्यादा डल गया तो आप उसमें मजीद ब्रेड को भी शामिल कर सकते हैं। ना ही ज्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज्यादा नरम। इसके लिए जरूरी नहीं कि ब्रेड बहुत फ्रेश हो, आप एक दिन पहले की भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। आटे की तरह इसको आप भुक्की भी लगाएंगे, थोड़ा सा सख्त लग रहा है, हम थोड़ा सा और दूध का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही झटपट रेसिपी है, अगर अचानक आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आपके घर ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं, बहुत इजीली रेसिपी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ये डो की शक्ल में ब्रेड हमारी आ गई है, इसमें कुछ भी नहीं है सवाए दूध के और ब्रेड के। ब्रेड के किनारे अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो इससे आपकी रेसिपी खराब भी हो सकती है। ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में हमारे पास ब्रेड आ गई। सबसे पहले हम अपना शीरा तैयार करेंगे। शीरे के लिए हमें 2 ग्लास हमने पानी डाले हैं और 2 ग्लास पानी में 2 कप चीनी, इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत इलायचियां भी तोड़ के डाल सकते हैं। जब तक हमारा शीरा तैयार होता है हम अपनी गुलाब जामुन की बॉल्स तैयार कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी ये जो डो रेडी हुई है इसकी बॉल्स कैसे बनानी है। आप बॉल्स के लिए पहले इसको रेडी कर ले। ये साइज आप अपने हसबे पसंद हसबे जरूरत भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्राई होते हुए आपके गुलाब जामुन फट भी सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें आप, हमने अपनी ब्रेड की तमाम बॉल्स रेडी कर ली है, अब हम इनको फ्राई करते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं गुलाब जामुन को तलने के लिए आप डाल दीजिए। घी जब हमारा गर्म होगा तो इसमें हम अपने
गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। आप शीरा देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो गया है। इसको हमने हल्की आंच पे कर दिया। जी व्यूअर्स, हमारा घी गरम हो गया है, अब हम इसमें अपने गुलाब जामुन डालेंगे। आप चाहें तो इसके साइज को बड़ा भी कर सकते हैं, इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे है। इसमें भी आपने चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत एहतियात से आपने फ्राई पैन को ही मूव करना है और इसकी आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें ताकि ये अंदर तक पक जाए। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो रहे हैं। अब ये ठहर गए हैं तो इसे हम चमचे से मूव कर सकते हैं। स्टार्ट में आपने बिल्कुल भी चमचा नहीं मारना। फ्राई होने के बाद ये बिल्कुल सख्त होंगे और जब ये शीरे में जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे। ये देखें, अब ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। आप चाहें तो इसका कलर डार्क भी कर सकते हैं, चाहें तो इस कलर में भी आप निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मुझे थोड़े से डार्क कलर के पसंद है तो मैं थोड़ा सा इनका कलर और डार्क करूंगी, लेकिन इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये ओवर कुक ना हो और ना ही जले। जी व्यूअर्स, हमारे गुलाब जामुन एकदम फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे शीरे में डालेंगे। डालते ही हम और से इसको ढक देंगे आधे घंटे के लिए। अब ये इस शीरे में पड़े रहेंगे, 5 मिनट बाद आप चूल्हा बंद कर देंगे। जी व्यूअर्स, गुलाब जामुन हमारे रेडी हो गए हैं। इसे हमने आधा घंटे के लिए शीरे में छोड़ा था, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज आप इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपकी कोई फरमाइश है या आप कोई भी मशवरा देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।